हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉस्मोस एकेडमी। ओके, सो आज हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक के आगे, दैट इज रोटेशनल डायनेमिक्स का एप्लीकेशन ऑफ यूसीएम। इससे पहले हमने चार टॉपिक इसके कर लिए हैं, दैट इज व्हीकल ऑन अ कर्व रोड, फिर आपका वेल ऑफ डेथ, व्हीकल ऑन अ बैंक रोड और स्पीड लिमिट। तो आज इस टॉपिक को हम खत्म करेंगे और सर्कुलर मोशन आज खत्म करेंगे हम। तो स्टार्ट करते हैं कॉनिकल पेंडुलम से। अब कॉनिकल पेंडुलम क्या होगा, ठीक है? अब ये पेंडुलम क्या होता है, ये कंसिस्ट करेगा कि हैवी पार्टिकल एक मासलेस स्ट्रिंग से क्या होगा, सस्पेंड होगा, जो इस तरह घुमाएंगे कि वो क्या डिस्क्राइब करता है, कौन जैसा भी मान लो ये स्ट्रिंग तो नहीं है पर इससे अपना काम चल जाएगा, ठीक है? तो ये आपका स्ट्रिंग हो गया मान लो। अब ऐसे घूमेगा, क्या कर रहा है, ये रोटेट कर रहा है। तो आपका जो नीचे वाला है वो हॉरिजॉन्टल सर्कल बनेगा और जो आपका स्ट्रिंग है वो क्या डिस्क्राइब करेगा, कौन डिस्क्राइब करेगा, जस्ट लाइक दिस, जस्ट लाइक, ठीक है? मान लो ये हमारा स्ट्रिंग हो गया, ठीक है? अब देखो इसको मैं यहां से इसको हैंग करके तो घुमा रहा हूं, ओके, ठीक है? तो ये नीचे क्या बन रहा है आपका, कौन सर्कल बन रहा है और ये स्ट्रिंग क्या डिस्क्राइब कर रहा है, कौन डिस्क्राइब कर रहा है। तो ये होता है हमारा वीस आपका कॉनिकल पेंडुलम, ओके। सो डेफिनेशन अगर पूछा तो ये लिखेंगे, कॉनिकल पेंडुलम क्या, कंसिस्ट ऑफ अ हैवी पार्टिकल सस्पेंडेड बाय मासलेस इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। मासलेस मतलब जो स्ट्रिंग रहेगी उसका मास ज्यादा नहीं रहेगा, इनएक्सटेंसिबल मतलब स्ट्रिंग स्ट्रेच नहीं होगी। नेक्स्ट, फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट, एक रिजिड सपोर्ट स्ट्रेच आपका फिक्स रहेगा, विच इज मूविंग इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल मेकिंग अ सर्कुलर बोर्ड। अब इसका डेरिवेशन आते, देखो पेंडुलम के डेरिवेशन में अगर कभी भी आपको पूछा ना तो समझो टाइम पीरियड ढूंढना है, पेंडुलम में यही ढूंढा जाता है ज्यादा, ठीक है? अब डेरिवेशन का फंडा आपको बताइए अपना, पहले डायग्राम बनाएंगे, उसका एक्सप्लेनेशन लिखेंगे, फिर डेरिवेशन करेंगे। तो डायग्राम पे आते आपका कॉनिकल पेंडुलम है, ठीक है? ये आपका बॉब है जिसका मास m है, ये सर्कल में घूम रहा है जिसका रेडियस r है, ये हाइट हो गई और ये स्ट्रिंग की लेंथ है कैपिटल l, ओके। अब यहां पर देखो सारा गेम फोर्सेस का है, पूरा डेरिवेशन फोर्सेस पे डिपेंड है। अब यहां पर नीचे क्या लगेगा, mg, और इस स्ट्रिंग के अलावा क्या लगेगा, टेंशन, खिंचाव जो होता है। अब यहां पर देखो थीटा बन रहा है तो z बनाओगे तो ये भी थीटा बनेगा, तो ये हो जाएगा इसका t नॉट cos थीटा और इधर लगेगा t नॉट sin थीटा। अगर आप नॉन इनर्शियल फ्रेम में हो तो इधर आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, दैट इज m r ओमेगा स्क्वायर। याद करो, देखो t नॉट cos थीटा mg को बैलेंस करेगा, t नॉट sin थीटा विल प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स और बैलेंस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अगर इसको मैं नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठ के करूंगा तो सेंट्रीफ्यूगल लगाऊंगा, नहीं करूंगा तो ये बनाने की जरूरत नहीं है आपको, ओके? अब आते हैं इसके टॉपिक के ऊपर, हम लोग लिखना क्या है, कंसीडर अ कॉनिकल पेंडुलम जिसके पास हैविंग अ बॉब ऑफ मास m, तो क्या करे, हॉरिजॉन्टल सर्कल मूव करे जिसका रेडियस r है, इसको डायग्राम। अब इसमें क्या क्या चीजें इसको अज्यूम कर लेते हैं, लेट l लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, t क्या है टाइम पीरियड ऑफ कॉनिकल पेंडुलम, t नॉट क्या टेंशन प्रोड्यूस इन द स्ट्रिंग, थीटा इज द कांस्टेंट एंगल जो आप एंगल बनाते हो कुछ मेड बाय द स्ट्रिंग विद द वर्टिकल, मतलब इससे जो वर्टिकल से एंगल बन रहा है। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू फ्री बॉडी डायग्राम। अब यहां पर t नॉट cos थीटा किसको बैलेंस कर रहा है, mg को, और t नॉट sin थीटा क्या बैलेंस कर रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब बोलोगे यार इससे पहले तो mv स्क्वायर बाय r लिखते थे, देखो mr ओमेगा स्क्वायर लिखने का एक रीजन भी हमारे पास, क्योंकि टाइम पीरियड चाहिए और टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमारे पास होता है ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई t, तो उससे निकालेंगे इसलिए ओमेगा लिखेंगे। अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे, ठीक है? अभी को ओमेगा ऊपर लेना चाहिए तो क्या होगा, t नॉट sin थीटा डिवाइडेड बाय t नॉट cos थीटा इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर अपॉन एम जी। तो एम से एम क्या हो गया आपका, कैंसिल हो गया, ठीक है? टी नॉट से टी नॉट कैंसिल, साइन बाय कॉस लिखने की जरूरत नहीं है, ओमेगा स्क्वायर को अलग करो, ओमेगा स्क्वायर क्या होगा, देखो जी ऊपर चले जाएगा तो ये मिलेगा जी साइन थीटा और आर नीचे आगे क्या मिलेगा, आर कॉस थीटा, जी इधर जाएगी जी साइन थीटा, आर इधर आगे आर कॉस थीटा। सो ओमेगा का फॉर्मूला क्या हो गया, अंडर रूट ऑफ जी साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा। सो अभी टाइम पीरियड हम लोग को डिराइव करना है, सो द टाइम पीरियड ऑफ कॉनिकल पेंडुलम इज क्या होगा, टाइम पीरियड का फॉर्मूला टी इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा। देखो कहां से आया ये फॉर्मूला, पता है ना आपको ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई बाय टी, एक चक्कर लगेगा जो 2 पाई कवर करता है और टाइम पीरियड कितना लेगा, टी लेगा। अब इस ओमेगा की वैल्यू को यहां पर पुट अप कर दो आप, अब ओमेगा क्या है आपका, अंडर रूट ऑफ
जी साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा, करेक्ट। इसको अगर आप उल्टा करके लिखोगे तो कुछ इस तरह हो जाएगा, इसको उल्टा कर दो ऐसा, आर कॉस थीटा अपॉन जी साइन थीटा। फॉर्मूला बन तो गया बट फॉर्मूला थोड़ा सा अधूरा है, क्यों अधूरा है समझो। देखो ये जो रेडियस है स्ट्रिंग का, जो सॉरी स्ट्रिंग का रेडियस जो आपका बॉब बनाएगा, ठीक है, आप क्या करोगे यहां पर आपका ये मान लो पेंडुलम है, इसको आप यहां पर लेके जाओगे, ये रेडियस होगा ना इसका जिसे घूमते हुए बनेगा, ठीक है। बट ये कब होगा, जब आप इसका सर्कुलर मोशन करोगे तब। मुझे क्या करना है पता है, मेरे पास एक स्ट्रिंग की लेंथ है समथिंग, ग्रेविटी पता है मुझे, थीटा मैंने इतना लिया तो कितना होगा, मुझे डायरेक्ट कैलकुलेट करना है, आर मेजर करने की जरूरत नहीं। तो हम लोग फॉर्मूला अपना जो बनाएंगे ना, वो जो चीजें मेजरेबल है, एल डिपेंडेंट, ठीक है, उस पर बनाएंगे। तो हमारे पास देखो यहां पर बट, अब देखो मुझे फॉर्मूला एल पे डिपेंड करके बनाना है स्ट्रिंग के लेंथ के ऊपर, तो आर और एल कौन से ट्री को दोनों को रिलेट कर सकते हैं, ध्यान से देखो, आर आपका ये 90 डिग्री है यहां पर, तो एल इज योर हाइपोटेनियस और आर आपका क्या हो जाएगा अपोजिट साइड थीटा के सामने है, तो साइन थीटा लगा सकते हो, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा इसके अंदर आपका, अपोजिट इज आर एंड हाइपो इज एल, तो आर का फॉर्मूला मिलेगा एल साइन थीटा। इस आर की जगह आप क्या पुटअप करोगे, 2 पाई अंडर रूट एल साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी साइन थीटा, तो साइन से साइन क्या हो गया कैंसल, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला मिल जाएगा 2 पाई अंडर रूट एल कॉस थीटा डिवाइडेड बाय जी। ये था आपके टाइम पीरियड का फॉर्मूला, क्लियर है यहां तक। अगर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बनाओगे तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1 अपॉन टाइम पीरियड, उसको उल्टा कर दो, 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट ऑफ जी अपॉन एल कॉस थीटा, क्लियर है यहां तक। तो अगर आपके डेरिवेशन आया तो आपको क्या करना रहेगा, टाइम पीरियड निकालना रहेगा, दैट्स इट। मार्किंग सीम अगर दिखा रहे तो हाफ मार्क्स डायग्राम आपका, हाफ मार्क्स ये एक्सप्लेनेशन पे हो जाएगा, हाफ मार्क्स आपको यहां पर, तो कितना हो गया 1.5 मार्क्स, हाफ मार्क्स यहां पर, हाफ इधर, हाफ इधर, तो टोटल 3 मार्क्स का डेरिवेशन आ सकता है एग्जाम में आपको। एक कुछ बातें यहां पर देखो, यहां पर अगर ये थीटा बहुत छोटा हो जाए, 0 के बहुत क्लोज, 1 डिग्री ले लो, 2 डिग्री ले लो, तो जब थीटा छोटा होता है ना, इस फॉर्मूले को थोड़ा सा देखो मैं चेंज कर रहा हूं, थीटा अगर बहुत छोटा होगा दैट इज नियरली इक्वल टू 0, तो कॉस थीटा का वैल्यू 1 हो जाएगा, बिकॉज कॉस 0 इज 1, कॉस 1 डिग्री की वैल्यू भी 0.99 समथिंग होती है, तो मतलब इट इज वेरी क्लोज टू 1। सो टाइम पीरियड का फॉर्मूला विल चेंजेस टू 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी, अगर एंगल बहुत छोटा हुआ तो, नहीं तो नहीं होगा ये चीज, क्लियर है यहां तक। दूसरी बात यहां पर देखो, कुछ केसेस यहां पर है, अब जो आपकी स्ट्रिंग है ना वो कितना एंगल बनाती है, ध्यान से देखो 90 बनाएगी इतना, देखो ये अगर ऐसा 90, अभी 90 डिग्री अगर बनाएगी तो ये आपका हॉरिजॉन्टल मोशन हो गया ना, ये तो पेंडुलम जैसे यहां पर कुछ होगा नहीं। अब होगा क्या देखो, यहां पर cos cos 90 की अगर बात की जाए, इसकी बात की जाए, cos 90 क्या होता है आपका 0, 0 मतलब नॉट डिफाइन, फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी इनफाइनाइट, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, 1 सेकंड में कितना रेवोल्यूशन करता है। तो अगर मैं क्या बोल रहा हूं, अगर इसको ये एंगल पे लेके जाओ 90 डिग्री पे स्ट्रिंग को और घुमाओ तो क्या होगा आपका इंफिनाइट, इंफिनाइट पॉसिबल ही नहीं ना भाई। तो फॉर्मूला देखो बन तो गया है पर कहीं कहीं एक्सेप्शन है कि हर जगह काम में नहीं आएगा, कोई इसी जगह काम में नहीं आएगा। सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर और वी का फॉर्मूला होता है आर ओमेगा, तो आर स्क्वायर ओमेगा, और ओमेगा का फॉर्मूला पढ़ा होगा तो 2 पाई एन होता है, जब एन इंफिनाइट तो ओमेगा भी इंफिनाइट, तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी इंफिनाइट, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ये इसके थोड़े से एक्सेप्शन हो जाते हैं कि फॉर्मूला कहां पर जाके काम नहीं करेगा। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते, ओके तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज वर्टिकल सर्कुलर मोशन। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा मोशन है, जैसे आप इसको कहां पर देखते हो, जैसे जाइंट व्हील हो गया, अगर बच्चों को जो झूला झुलाते पता है आप देखते हो, अगर स्कूल के बाहर छोटा सा झूला लेकर आ जाता है, धक्का मारता है, ठीक है, कुछ इस तरह देख, वो क्या करेगा, हम ये स्ट्रिंग है, इसको वीसीएम कराना है, समझे, ऐसा घुमाएंगे ऐसे, समझ में आया। अभी देखो क्या होगा, पता है इसके अंदर कितनी वेलोसिटी दूं इस लोएस्ट पॉइंट पे कि ये जस्ट सर्कल कंप्लीट करे, देखो नहीं किया, नहीं किया सर्कल कंप्लीट किया, यहां पर यही चीज होती है, यही हमको स्टडी करना है कि इस लोएस्ट पॉइंट पे कितनी वेलोसिटी दी जाए कि एक पार्टिकल सर्कल कंप्लीट करे, आज उसका फॉर्मूला पढ़ेंगे हम लोग,
जैसे आप झूले को धक्का मार रहे हो, कितनी वेलोसिटी दोगे कि वो क्या करेगा, जस्ट सर्कल कंप्लीट करेगा। ठीक है, कहते हैं इसके VCM के डायग्राम पे हम लोग। ठीक है, सबसे पहले क्या किया, मास टाइड टू अ स्ट्रिंग अंडर ग्रेविटी, तो क्या किया, इस स्ट्रिंग पे मास को टाई कर दिया, उसको घुमा रहे हम लोग। ठीक है, अब यहां पर ये आपका बॉब है, सिंपल वही छोटा सा मास। अब यहां पर मुझे तीन पॉइंट में स्टडी करना है, लोवेस्ट, मिडवे एंड हाईएस्ट, या अपर मोस्ट पॉइंट, तीन पॉइंट वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए। अब मैं यहां पर एक पॉइंट कंसिडर कर रहा हूं, पी पॉइंट, ध्यान से देखो। अब टेंशन कहां लगेगा, स्ट्रिंग के अलोंग एमजी लगेगा वर्टिकली डाउनवर्ड, ये थीटा तो ये भी थीटा बन रहा है, ये कंपोनेंट हो जाएगा आपका एमजी कॉस थीटा, और ये जो है कंपोनेंट ये हो जाएगा आपका एमजी साइन थीटा, ध्यान से देखो। ठीक है, और इसका डायरेक्शन हम इस तरह कर देते, मान लो इसका डायरेक्शन इधर लेंगे, ठीक, थोड़ा टेढ़ा कर लेंगे। तो ये mg sin थीटा क्या कर रहा है, इसकी स्पीड चेंज कर रहा है बार बार, जैसे वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बढ़ा था, कि जो g sin थीटा है वो कॉन्टा एक्सेलरेशन है, टेंजेंशियल है, मतलब ये ऐसा सर्कुलर मोशन है जहां पर डायरेक्शन तो चेंज होता ही होता है, मैग्नेट्यूड भी चेंज होगा वेलोसिटी का। ठीक है, अब यहां पर लिखना कैसे, देखो डायग्राम बना लिया, अब इस पॉइंट पे आ जाएंगे। कंसीडर अ बॉब ऑफ मास m टाइड टू अ मासलेस इनएक्सटेंसिबल एंड फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग, मासलेस रहेगा स्ट्रिंग आपका, इनएक्सटेंसिबल रहेगा और फ्लेक्सिबल रहेगा, थोड़ा सा लचीलापन रहे उसके अंदर। किस सर्कल में घुमा रहे, वर्टिकल सर्कल है, शोन इन डायग्राम, वी ए वी बी वी सी वी डी, ए बी सी डी चार पॉइंट पे वेलोसिटीज उसकी, टी ए टी बी टी सी डी डी चार पॉइंट पे चार टेंशन लगेंगे, और आर हो जाएगा रेडियस ऑफ द वर्टिकल सर्कल। देखो ये जो मैं पार्ट बना रहा हूं उसको ये लिखने की जरूरत नहीं है आपको एग्जाम में, बस हम एक टेंशन का जनरल फॉर्मूला बना रहे हैं जो बहुत काम आ सकता है। ठीक है, देखो अब यहां पर अगर आप एफबीडी से जाओगे, टेंशन लग रहा है ऊपर, एमजी कॉस लग रहा है इधर, ये दोनों मिलकर सेंट्रीफ्यूगल को बैलेंस करेंगे, तो इसको इस तरह लिख सकते हो ना आप, पीपी माइनस एमजी कॉस थीटा इज इक्वल टू एमवी पी स्क्वायर बाय आर, उस पॉइंट वेलोसिटी वीपी दे देंगे, तो टेंशन का फॉर्मूला बन जाएगा एम वी पी स्क्वायर बाय आर प्लस एम जी कॉस थीटा। ये जनरल फॉर्मूला है टेंशन का, इसे अगर मान लो लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन पता करना है तो लोएस्ट का एंगल जीरो बनेगा, तो थीटा की जगह जीरो लिखोगे, कॉस जीरो वन होगा, तो फॉर्मूला बनेगा एम वी स्क्वायर बाय आर प्लस एम जी। टॉप पे जाओगे एंगल 180 बनेगा, कॉस 180 माइनस वन होता है, तो एम वी स्क्वायर बाय आर माइनस एम जी। मिडवे पे जाओगे तो एंगल 90 होता है, कॉस 90 जीरो, यहां पर ही पूरा जीरो हो जाएगा, एम वी स्क्वायर बाय आर। ये हम लोग यहां पर भी देखेंगे, बस इस फॉर्मूले से पता कर सकते हैं। अब डेरिवेशन एग्जाम में आपको ये लिखने की जरूरत नहीं, बस मैं आपको एक एक्सप्रेशन लिखवा रहा हूं, और कुछ नहीं। अब ये लिखने के बाद में आप तीन पॉइंट ऑफ वेलोसिटी पता करनी है, एट पॉइंट ए, एट पॉइंट बी और एट पॉइंट सी एंड डी। तो ए पे आते कौन सा मोस्ट पॉइंट है आपका, अपर मोस्ट पॉइंट है। अब इसका अगर एफबीडी बनाओगे, ध्यान से देखो यहां पर, अगर इसका एफबीडी बनाएंगे तो एमजी कहां लगने वाला है, नीचे, टेंशन भी कहां लगेगा, नीचे, और ये दोनों मिलकर क्या करेंगे, सेंट्रीफ्यूगल को बैलेंस करेंगे। तो हम लोग इसका इक्वेशन ऐसा लिख सकते हैं ना, टी ए प्लस एमजी इज इक्वल टू एम बी ए स्क्वायर बाय आर। अब अपर मोस्ट पॉइंट पे टेंशन जीरो होगा अगर मिनिमम वेलोसिटी से फेंका जाए, फॉर मिनिमम वेलोसिटी टेंशन एट ए पॉइंट विल बी जीरो। देखो समझो ये मतलब क्या है इसका, क्यों टेंशन जीरो हो जाए। देखो आपने पढ़ा है ना सर्कुलर मोशन के अंदर, अगर स्टोन को स्प्रिंग के अंदर ट्राई करते हैं तो सेंट्रीपिटल फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल को बैलेंस करने का काम और सेंट्रीपिटल बनाने का काम कौन करता है, टेंशन करता है। हम बोल रहे हैं इस पॉइंट पे टेंशन जीरो है, तुम ध्यान से देखो एमजी भी नीचे लग रहा है, टेंशन भी नीचे लग रहा है, समझो जरा बात को, एमजी भी नीचे, टेंशन भी नीचे, दोनों डोमिनेट कर रहे। तो उस पॉइंट पे सर्कल जस्ट कंप्लीट कर रहा है, मुझे इधर लेकर आना है अपने पार्टिकल को, तो जस्ट कंप्लीट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इधर लेकर आना है, जस्ट कंप्लीट करने के लिए क्या करेंगे, टेंशन जीरो होना चाहिए, मतलब मिनिमम वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी ज्यादा हो तो टेंशन जीरो नहीं होगा, याद रखो मिनिमम वेलोसिटी के लिए टेंशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो अगर टेंशन जीरो हुआ, ये जीरो होगा, तो क्या बचेगा हमारे पास, एम जी इज इक्वल टू एम बी ए स्क्वायर बाय आर, एम से एम कैंसल हो गया, तो वी ए स्क्वायर विल बिकम आर जी, तो वी ए का फॉर्मूला बन जाएगा अंडर रूट आर जी, इसको हम लोग बोलेंगे वी ए मिनिमम। मतलब क्या है बता, अगर ऊपर जाते वक्त नीचे से फेंका और ऊपर जाते वक्त स्पीड आपकी अंडर रूट आर जी है, तो इट विल जस्ट क्लियर द सर्कल, जस्ट क्लियर करेगा, आरजी से ज्यादा हुआ तो आराम से करेगा,
अगर मान लो ऊपर जाते थे स्पीड आरजी से कम हो गई तो सर्कल कंप्लीट नहीं कर पाए। अब इसी को आगे बढ़ाते हुए हम दूसरे पॉइंट पे जाते हैं, एट पॉइंट डी, क्योंकि कौन सा मोस्ट पॉइंट है हमारा, लोअर मोस्ट पॉइंट है। अब यहां पर भी सिमिलरली फ्री बॉडी डायग्राम से यहां पर इसका भी एफबीडी देखेंगे हम लोग। सो अकॉर्डिंग टू फ्री बॉडी डायग्राम से एफबीडी बनाते हैं अभी हम लोग, देखो। अब यहां पर एमजी कहां लगेगा, नीचे। टेंशन कहां लगेगा आपका, ऊपर। और दोनों मिलकर किसको बैलेंस करेंगे, सेंट्रीफ्यूगल। तो इट विल बी रिटन लाइक दिस, ठीक है, टीबी माइनस एमजी इज इक्वल टू एमवी बी स्क्वायर बाय आर, और यू कैन राइट लाइक दिस इज टीबी इज इक्वल टू एमवी बी स्क्वायर बाय आर प्लस एमजी, ठीक है। देखो यहां पर भी दो ही बात मैं कर रहा था, जब यहां पर आएगा तो जीरो एंगल बनेगा, तो जीरो हो जाएगा तो क्या मिलेगा, एमबी स्क्वायर बाय आर प्लस एमजी, वही तो आया। ये फॉर्मूला एक जनरलाइज और कुछ नहीं। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मुझे यहां पर क्या वेलोसिटी पता करनी बी पॉइंट पे, क्या पता करना है, मतलब ए से पार्टिकल अगर बी की तरफ जा रहा है मुझे वेलोसिटी पता करनी, बी की वेलोसिटी कितनी है। अब वो कैसे पता करेंगे, जरा ध्यान से समझो उस चीज को, जरा समझो आप लोग। आपकी बुक्स के अंदर टेंशन का डेरिवेशन दिया हुआ, टेंशन की हेल्प से सॉल्व किया है, बट वो इतना खास नहीं लगता है, तुम अपने तरीके से कर दे। देखो जब पार्टिकल ए से बी पोजिशन पे आएगा तो ए पे देखो ऊपर है, इसकी वेलोसिटी बहुत मिनिमम है। जब ऊपर पार्टिकल का फेंकोगे ना, जब थोड़े इंसिडेंट के लिए बोलते ना, रुक जाता है फिर नीचे आता है, इसी तरह भी वो तो काइनेटिक एनर्जी ऊपर क्या होगी, कम होगी, पोटेंशियल ज्यादा होगी। फिर जब नीचे आएगा तो क्या होगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। जैसे इधर होता है ना, ऊपर देखते हो चीजों को, जब नीचे आएगा तो क्या होगा, ऊपर जाके पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, काइनेटिक मिनिमम है। जब नीचे आएगा तो क्या होगा, द पोटेंशियल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो यहां पर हम लोग यूज करेंगे एज पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी, दोनों जगह पे एनर्जी क्या रहेगी, सेम रहेगी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन नहीं बोलता है, पर टोटल का मामला होता है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। तो काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी, ठीक है। अब देखो इसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ एम बी ए स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी होगी इसकी एम जी टू आर। देखो कितने हाइट पर है ये रेडियस, तो हाइट कितनी हो जाएगी, टू आर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हाफ एम बी बी स्क्वायर, और ये एम जी, और इसकी हाइट रहेगी जीरो, ठीक है। अब ये इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको इस तरह कुछ दिखेगा ये। अब ध्यान से देखिए, एम जी टू आर मैं क्या कर रहा हूं, उसको उधर भेज दिया मैंने। सो हाफ एम बी बी स्क्वायर माइनस हाफ एम बी ए स्क्वायर। अब एक शॉर्टकट सुन रहे हैं यहां पर, आप इस तरीके से जा सकते हो। एक तरीका क्या है पता है, देखो मैं अगर क्या बता रहा हूं, जब नीचे आ रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है और पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, तो वो क्या रहा है, द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ना भाई, ऐसा भी सोच सकते हो। जो काइनेटिक एनर्जी बदल रही है वो किसकी वजह से बदल रही है, पोटेंशियल, तो द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, ऐसा मतलब आप डायरेक्ट ये एक्सप्रेशन भी लिख सकते हो। ऊपर इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, एम जी टू आर, यहां पर आते वक्त क्या हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है, नीचे स्पीड ज्यादा होगी इसलिए पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी नीचे ज्यादा होगी, इसलिए देखो बी से ए को माइनस कर रहे। डायरेक्ट मैंने बता सकता था, बट इसलिए नहीं बताया कि आप कंफ्यूज होता है ऐसा कैसा हो रहा है, इसलिए आपको देखो यहां से प्रूफ करके बताया गया। अब देखो इसके पास भी एम है, तो एम से एम सब क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा, ये दोनों का टू कॉमन आ जाएगा, डिनोमिनेटर से उसको इधर भेज दो, तो यहां बन जाएगा फोर आर जी, और ये बन जाएगा वी बी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर। वी ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, आरजी, यहां पर आरजी लिख दो भाई, तो वी बी स्क्वायर इज इक्वल वी बी स्क्वायर माइनस आरजी, आरजी इधर आगे क्या हो जाएगा फाइव आरजी, तो वी बी स्क्वायर विल बिकम योर फाइव आरजी, तो वी बी मिनिमम कितना हो जाएगा, अंडर रूट फाइव आर। इसका मतलब क्या है, अगर आप नीचे से फाइव आरजी की स्पीड से देखोगे इट विल जस्ट क्लियर द सर्कल, तो सर्कल क्लियर नहीं कर पाएगा, बीच में ही रुक जाएगा। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लो 5 है, रेडियस 10 है और ग्रेविटी 10 है, तो आंसर आ जाएगा
500 मान लो, ठीक है, या फिर इसको थोड़ा सा, ठीक है 500 मतलब 100 रूट 5, रूट 5 की वैल्यू 2.2 समथिंग होती, तो 22 मतलब 20 मतलब अगर 10 मीटर का रेडियस है और मुझे सर्कल कंप्लीट करवाना है तो कितनी स्पीड से रुकना पड़ेगा, 22, 22 से कम नहीं तो क्या होगा, कहीं इधर ही बीच में जाके रिटर्न आ जाएगा, जैसे मैंने आपको वायर का दिखाया था, ये आप स्टडी कर रहे हो। अब आते हैं पॉइंट सी या पॉइंट डी की बात कर लो, ठीक है, अब लास्ट पॉइंट कौन सा बचा हमारा, एट पॉइंट सी, जो क्या होगा मिड वे, मिडवे पॉइंट, ओके। अब यहां पर भी हम क्या यूज करेंगे, अकॉर्डिंग टू फ्री बॉडी डायग्राम, अकॉर्डिंग टू फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है, यहां पर पॉइंट क्या रहेगा आपका, सॉरी सी एंड डी, ठीक है। अब एफबीटी बनाओ, इधर आगा देखो, टेंशन लगेगा इधर और एमजी लगेगा नीचे, और यहां पर क्या लगेगा आपका सेंट्रीफ्यूगल, तो यहां पर क्या होने वाला है, टेंशन इज इक्वल टू एम वी सी स्क्वायर बाय आर, देखो यहां पर 90 डालोगे ये टर्म जीरो मिला ना आपको। अब यहां पर भी देखो, मान लो मुझे दो पॉइंट को कंपेयर कराना है, वहां सी से बी पे आ रहा है अगर पार्टिकल सपोज, ठीक है, जब बी से इधर जा रहा है अगेंस्ट डायरेक्शन घूम रहा है ना, तो मुझे दो पॉइंट को कंपेयर करना है, तो यहां पर मैंने जैसे क्या समझाया था आपको, जब पार्टिकल ए से बी की तरफ आएगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या कन्वर्ट इनटू काइनेटिक एनर्जी, अब बी से तुम मान लो डी की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, अब यहां पर कौन सी एनर्जी जाती थी काइनेटिक, और यहां पर क्या होगी काइनेटिक कम होगी, तो जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, वैसा नहीं करेंगे तो ये तरीका अपने पास बहुत शॉर्टेड है, देखो देखो एज पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सो दो पॉइंट को कंपेयर करते, काइनेटिक एनर्जी एट बी इज इक्वल प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट सी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट, कोई भी दो पॉइंट को कंपेयर करो, आप बी सी को कर सकते हो, ए और सी को कर सकते हो, ठीक है। अब यहां पर काइनेटिक एनर्जी कितनी रहेगी, हाफ एम वी बी स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी देखो एम जी जीरो हो जाएगा, हाइट जीरो है इसकी, बी की जो रेफरेंस लेवल है आपका, सी की काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी सी स्क्वायर, इसकी पोटेंशियल एनर्जी है एम जी एच, देखो सी कितना हाइट ऊपर है, रेडियस हाइट ऊपर है, तो एच की जगह आर लिख दिया। अब यहां पर अगर आप इसको देखोगे, इसको इधर लेकर आते हैं, हाफ एम बी बी स्क्वायर माइनस हाफ एम बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी आर, आप डायरेक्ट ऐसा भी लिख सकते हो। अब देखो यहां पर एम से एन सब क्या हो गया, कैंसिल हो गया, टू डिनोमिनेटर से उधर चले जाएगा, तो इट विल बिकम लाइक दिस, वी बी स्क्वायर माइनस वी सी स्क्वायर इज इक्वल टू टू आर जी, मुझे वी सी ढूंढना है तो मैं काम करता हूं उसको उधर भेज देता हूं, तो कुछ इस तरह ही दिखेगा, वी बी स्क्वायर माइनस टू आर जी इज इक्वल टू वी सी स्क्वायर, वी बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 5 आर जी, यहां पर 5 आर जी लिखो, 5 आर जी माइनस 2 आर जी इज इक्वल टू वी सी स्क्वायर, सो वी सी स्क्वायर विल बिकम योर 3 आर जी, और वी सी मिनिमम विल बिकम अंडर रूट 3 आर जी। अब इस डेरिवेशन का मतलब देखो, अगर यहां पर स्पीड 5 आर जी से निकली है, यहां पर 3 आर जी होगा, यहां पर आर जी होगा, तो सर्कल जस्ट कंप्लीट करेगा, 5 आर जी से ज्यादा तो इजिली कंप्लीट करेगा, पर अगर 5 आर जी से कम है तो इधर 5 आर जी से अगर कम है, मान लो 4 आर जी, अंडर रूट 4 आर जी है, तो यहां पर जाते जाते वो 3 आर जी होगा ही नहीं ना, तो यहां पर जाते आर जी नहीं होगा, तो धीरे धीरे कम हो रही है स्पीड। ये एग्जाम में डेरिवेशन आया था 2023 के पेपर में 4 मार्क्स के लिए, ठीक है, तो क्या करना है, डायग्राम बनाओगे, एक्सप्लेनेशन लिखोगे, 1 मार्क्स मिल जाएगा, बाकी के 1 मार्क्स ये 3 पे रहेंगे, उससे भी कैसा रहेगा, मान लो ये इक्वेशन लिखोगे हाफ इधर हाफ, यहां पर देखो इस इक्वेशन की जरूरत नहीं है, बस मैंने आपको लिख दिया यहां पर, क्योंकि हम लोगों ने वो यूज ही नहीं किया है, बुक में यूज किया हम लोगों ने डायरेक्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी लगा दिया यहां पर, तो आपको यहां पर हाफ मिल जाएगा, यहां पर हाफ मिल जाएगा, सिमिलरली यहां पर हाफ मिल जाएगा, यहां पर हाफ मिल जाएगा, इस तरह से आपका मार्क डिस्ट्रीब्यूशन इसके अंदर काम करेगा, ओके। तो ये था आपका वीसीएम का डेरिवेशन 4 मार्क्स। अब इसमें क्वेश्चन एमसीक्यूज में आता है, द डिफरेंस इन टेंशन बिटवीन लोएस्ट एंड मिडवे, लोएस्ट एंड मिडवे, मिडवे एंड हाईएस्ट, और मिडवे और लोएस्ट, क्या होगा डिफरेंस इन टेंशन, ठीक है। अब उसको हमारे पास देखो, टेंशन के 3 इक्वेशन,
ये पॉइंट ए का टेंशन है, ये पॉइंट बी का टेंशन है और ये पॉइंट सी का टेंशन है, ठीक है। अब एग्जाम में अब तक तो ऐसा कोई क्वेश्चन आया नहीं है, बट इन केस कभी आ जाए, मोस्टली अब तक देखा एमसीक्यूज में पूछते हैं, तो देखो प्रूफ करेंगे कि डिफरेंस इन टेंशन कितना होता है और क्यों होता है। ओके, ओके, देखो डिफरेंस इन टेंशन पढ़ना था हमें, तो देखो फ्री बॉडी डायग्राम के हिसाब से अगर यहां पर आ जाए हम लोग ए पॉइंट पे, टेंशन नीचे एमजी, नीचे एमजी स्क्वायर बाय आर, तो हम लोग ने एमजी उधर भेज दिया तो माइनस हो गया। हम अभी हमने क्या डिराइव किया था, बॉटम सबसे टॉप पे स्पीड क्या होती है, आरजी, आरजी पुट अप करो टेंशन जीरो आ गया, आर से आर कैंसिल, एमजी माइनस एमजी जीरो, ये तो लिया था उसी से। बॉटम की बात करेंगे हमने क्या देखा, टीवी ऊपर एमजी नीचे, तो टीवी माइनस एमजी इक्वल टू एमजी स्क्वायर बाय आर, माइनस दे रहा प्लस हो गया। वी बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, फाइव आरजी लिखा, आर से आर कैंसिल, कितना आंसर मिला, सिक्स एमजी, मतलब बॉटम पे टेंशन सिक्स एमजी है। नेक्स्ट सी की बात करें, टेंशन इधर सेंट्रीफ्यूगल इधर, तो दोनों बैलेंस कर रहे, बीसी स्क्वायर कितना होता है आपका, टी सी इक्वल टू एमजी स्क्वायर बाय बीसी स्क्वायर, थ्री आर जी पुट अप किया, आर से आर आपका कैंसिल हो गया, तो थ्री एमजी मिला, टी सी इक्वल टू टी डी। तब देखो अपर मोस्ट और लोअर मोस्ट, अपर मोस्ट आपका और लोअर मोस्ट दोनों में टेंशन कितना डिफरेंस है, तो टीवी माइनस टी करेंगे, टीवी का टेंशन ज्यादा है, ए का टेंशन कम है, तो कितना होता है सिक्स एमजी। फिर अपर मोस्ट एंड मिडवे या तो लोअर मोस्ट एंड मिडवे, ठीक है। अब देखो अगर मैं अपर मोस्ट की बात करूं, यहां पर थोड़ा ठीक है, अपर मोस्ट ना, तो टी सी माइनस टी आना चाहिए, ये हो जाएगा थ्री एम जी माइनस जीरो, और ये हो जाएगा आपका सिक्स एम जी माइनस थ्री जीरो। अब यहां पर अगर मैं अपर मोस्ट की और मिडवे की बात करूं, तो मिडवे का टेंशन ज्यादा रहेगा थ्री एम जी, तो टी सी माइनस टी इक्वल टू थ्री एम जी माइनस जीरो, थ्री एम जी मिला। और अगर मैं यहां तो फिर यहां पर बॉटम मोस्ट और मिडवे को अगर कंपेयर करूं, लोअर मोस्ट और मिडवे को, तो क्या होगा, टीवी माइनस टीसी सिक्स एमजी माइनस थ्री एमजी। तो याद रखो, याद रखना है सिर्फ अपर मोस्ट और लोअर मोस्ट में सिक्स एमजी का होता है, अपर मोस्ट और मिडवे में थ्री एमजी, और लोअर और मिडवे में थ्री एमजी। ये कब होगा ध्यान से सुनो, जब स्पीड फाइव आरजी रहेगी तब, ध्यान से देखो, बॉटम भी अगर स्पीड फाइव आरजी है तब सिक्स एमजी होगा, अगर यहां पर फाइव आरजी नहीं, अगर कुछ अलग है तो सिक्स एमजी नहीं होगा। तो ये हमेशा के लिए नहीं होता, ये बात जरा आपको समझना जरूरी है, ये उस स्पीड पे ही होगा ये, नहीं तो होने वाला नहीं है। फिर एक चीज यहां पर छोटी सी हमें एक डिस्कस करनी होती है यहां पर आपके साथ, कि जो एनर्जी होती है ना यहां पर, तो मैं इसे रफ कर देता हूं, ठीक है, तो हो चुका है ना हमारा। देखो टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व होती है, करेक्ट, तो इसके अंदर एनर्जी होगी कितनी, इसके अंदर एनर्जी होगी कितनी, वो कैसे पता चलेगा, देखो किसी भी एक पॉइंट की एनर्जी हम लोग चूज कर लेते हैं, मान लो एट पॉइंट ए की बात करता हूं, वहां पर एनर्जी मुझे पता करना, ठीक है। अब टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी है, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला इज हाफ एम बी ए स्क्वायर, पोटेंशियल इज एम जी एच, हाफ एम ए स्क्वायर कितना था आपका आर जी, और ये एम जी कितना हो जाएगा टू आर। ओके, अब इसको सॉल्व करो, तो ये कितना हो जाएगा, इसको लिखोगे अच्छे से तो हाफ एम जी आर, और ये टू एम जी आर, इसका याद है ना हाइट आपको टू आर होता है, सॉल्व करोगे टू टू जा फोर, फोर प्लस वन फाइव, फाइव एम जी आर बाई टू, ये होती है टोटल एनर्जी वीसीएम के अंदर, किसी भी पॉइंट पे निकालो। अब बी का भी चेक कर सकते हो, सी का भी चेक कर सकते हो, इसी जगह एनर्जी कंजर्व कितनी रहने वाली है, फाइव बाई टू एम जी आर, सबसे सेम आएगा। ओके, तो ये था आपका वीसीएम यहां पर खत्म। अब इसमें एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस होता है, अगर यहां पर हमने स्ट्रिंग में क्या टाई किया था, बॉब टाई किया था, स्ट्रिंग में टाई किया था, ठीक है, अगर रॉड लिया जाए, क्या लिया जाए, मास टाइड टू अ रॉड, स्ट्रिंग की जगह क्या ले लिया जाए, अगर रॉड ले लिया जाए, तो वहां पर छोटा सा डिफरेंस क्या आता है, देखो अगर हम रॉड ले लेंगे तो जो पॉइंट ए था, याद करो पॉइंट ए पे क्या हो रहा था, जब वेलोसिटी मिनिमम थी तो टेंशन कितना हो गया था आपका, जीरो हो गया था, पर यहां पर क्या होगा, जब वेलोसिटी मिनिमम होगी तो टेंशन जीरो नहीं होगा, ये रॉड के केस में होता है। सिमिलरली जो स्पीड रहेगी वीबी और वीसी, मतलब कहां की, मिडवे और बॉटम की, मिडवे की स्पीड कितनी थी, अच्छा बॉटम की स्पीड कितनी थी, अंडर रूट फाइव आरजी, यहां पर होती है फोर आरजी, एक कम, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा मिडवे की स्पीड कितनी थी, थ्री आरजी, तो इधर हो जाएगी टू आर, अंडर रूट टू आर, बस इतना ही है आपके इसमें, ठीक है। हाँ दूसरी बात,
द डिफरेंस इन टेंशन बिटवीन लोएस्ट एंड हाईएस्ट पॉइंट यहां पर कितना रहेगा, यहां पर भी 6 mg रहने वाला है, ठीक है, ये मिनिमम स्पीड है, ठीक है सबकी, इट विल बी योर मिनिमम स्पीड, इतना मिनिमम होगा, मतलब अगर रॉड लिया जाए, अगर 4 आरजी की स्पीड से घुमाऊंगा तो जस्ट सर्कल कंप्लीट करेगा, जैसे मान लो ये रॉड ही आपका, ठीक है, जस्ट सर्कल कंप्लीट करेगा, यहां से 4 आरजी देना पड़ेगा, नहीं तो सर्कल कंप्लीट नहीं होगा, ओके, ठीक है। नेक्स्ट इसमें एक टॉपिक आएगा आपका कॉन्वेक्स ओवर ब्रिज, जो आप लोग सिंपल बोलते हैं स्पीड ब्रेकर, ठीक है, छोटा सा पार्ट है यहां पर, व्हीकल ऑन द टॉप ऑफ कॉन्वेक्स ओवर ब्रिज, मतलब आपका स्पीड ब्रेकर है ना, और स्पीड ब्रेकर पे अगर अभी गाड़ी चलाए रहोगे तो अगर आपने स्पीड मिनिमम से कम कर दी तो गाड़ी आपकी वो क्रॉस नहीं कर पाएगी, उसको बीच में अटक जाओगे, पता चला चढ़ेगी नहीं गाड़ी, सेम इसी जैसा हो रहा है ना, तो यहां पर आपका व्हीकल है, अब कितनी स्पीड यहां पर दोगी कि इसको चढ़ जाए आराम से, अब देखो इसमें फोर्सेस कितने लग रहे, एमजी लगेगा नीचे, नॉर्मल लगेगा ऊपर, और ये आपका कर्व है, मतलब सेंट्रीफ्यूगल को बैलेंस करेंगे दोनों, सो इट विल बी यहां पर हो जाएगा एमजी माइनस एन इज इक्वल टू एमवी स्क्वायर बाय आर, एमजी क्यों दादा, अरे ग्राउंड से टच रहना है भाई, हवा में नहीं उड़ना है अपने को, ठीक है। अब जब स्पीड मिनिमम होगी तो नॉर्मल फोर्स जीरो हो जाएगा, तो एमजी किसके इक्वल हो जाएगा, एमवी स्क्वायर बाय आर, एम से एम कैंसल, वी स्क्वायर इक्वल टू आरजी, तो वी क्या होगा अंडर रूट आरजी, मतलब इतनी स्पीड से चलोगे इट विल जस्ट क्लियर योर स्पीड ब्रेकर। इसमें ना एक और केस हो सकता है, ये था कॉन्वेक्स ओवर ब्रिज ना, इसमें एक एडिशनल एक समझ लो, व्हीकल एट द बॉटम ऑफ कॉनकेव ब्रिज, मतलब कुछ इस तरह का ब्रिज है, मान लो ऐसा कॉनकेव ब्रिज है, कैसा ब्रिज है, और यहां पर आपकी गाड़ी है, कितनी स्पीड लोगे कि चढ़ जाए, गेम में खेलते रहोगे आप लोग ये सारी चीज, ठीक है। अब देखो यहां पर भी सेम चीज है, एमजी लगेगा नीचे, नॉर्मल लगेगा ऊपर, अब यहां पर कौन सा फोर्स ज्यादा होना चाहिए, नॉर्मल फोर्स ज्यादा होना चाहिए, एन माइनस एमजी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, सॉरी, ठीक है, यहां पर आपका सेम एमजी, दोनों मिलकर किसको बैलेंस करेंगे, हमारे ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करेंगे कुछ इस तरह, तो नॉर्मल फोर्स यहां पर क्या हो जाएगा, एम वी स्क्वायर बाय आर प्लस एम जी, इस जगह पे देखोगे तो आपका नॉर्मल फोर्स का इक्वेशन क्या बनेगा, एम जी माइनस एम वी स्क्वायर बाय आर, मिनिमम रहेगा तब जीरो रहेगा भाई, मैक्स अगर ज्यादा हुआ तो नॉर्मल जीरो नहीं रहेगा, तो वो दोनों में क्या लग रहा है, एक में माइनस लग जा रहा है और एक में प्लस लग जा रहा है, ये आपको सीटी में कभी कभी पूछ लेते हैं इस तरह के क्वेश्चन और, ठीक है। फिर इसमें एक छोटा सा पार्ट इंट्रोड्यूस किया है, दैट इज योर स्पीयर ऑफ डेथ, वेल ऑफ डेथ पढ़ा था, स्पीयर ऑफ डेथ क्या रहेगा, स्पीयर रहेगा तो उसमें कैसा भी यूज कर सकते हो ना, आप ऐसे भी घूम सकते हो, आप डीसीएम भी कर सकते हो और आप हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन भी कर सकते हो, तो आज जो हमारा टॉपिक था दैट इज डीसीएम और कॉनिकल पेंडुलम यहां पर खत्म होता है, तो हमारा जो इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट था दैट इज सर्कुलर मोशन वो यहां पर खत्म हो चुका है। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम रोटेशनल मोशन स्टार्ट करेंगे, ओके। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।